स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल तपस्या टीच में। दोस्तों आज हम बात करेंगे भारतीय रेलवे के बारे में। अगर भारतीय रेलवे से आप भी यात्रा करते हैं तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि रेलवे से जुड़ी संपूर्ण जानकारी आपको हमेशा ही हमारे चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। आपको बता दें कि अगर आप यात्रा करना चाहते हैं तो भूल कर भी आप जनरल कोच में यात्रा नहीं करें। अगर आप जनरल कोच में यात्रा करेंगे तो आपके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होगी, जैसे मेरे साथ हुआ था। मैं भूलकर जनरल कोच से यात्रा करने लगा। जनरल कोच से मैं यात्रा तब किया जब हमें टिकट नहीं मिल पाया। तत्काल के लिए हमने अप्लाई किया लेकिन नहीं मिला। तो आप देखेंगे जनरल कोच में कुछ इस प्रकार से वेसिंग होता है, आप यहां से देख सकते हैं। लोग इसमें बाथरूम में भी जाकर सो जाते हैं। बाथरूम में जो टट्टी करते हैं ऊपर ही कर देते हैं, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होता है। आप यहां देखेंगे एक भाई साहब है जो इसमें सो गए हैं। आप लोग देखेंगे, आपको दिखाने का हम प्रयास करते हैं कैसे भाई साहब सो गए हैं। इनके ऊपर से लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, इनके कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इस प्रकार से यहां पे स्टेशन पर देखेंगे जहां जनरल कोच की बोगी होती है वहां पे काफी ज्यादा भीड़ होता है, क्योंकि लोग एक दूसरे से झगड़ा करके चढ़ाई करते हैं, यानी कि जनरल बोगी में चढ़ने के लिए झगड़ा करते हैं ताकि हमें पहले सीट मिल जाए, पहले सीट हमें मिल जाए। क्योंकि जनरल कोच में ऐसे होता है कि आपको सीट कंफर्म नहीं किया जाता, जो जहां बैठ गया वो बैठ गया, यानी कि वह उसका सीट हो गया, उस पर आसानी से वह बैठकर यात्रा कर सकता है। यहां पे देखेंगे जनरल कोच के बोगी में हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं कैसे भीड़ है। देखिए लोग कैसे खड़ा होकर यात्रा कर रहे हैं। अगर लंबी सफर में आपको यात्रा करना हो तो आप बिल्कुल भी जनरल कोच में नहीं जाएं, नहीं तो आप परेशान हो जाएंगे, आप थक जाएंगे। देखिए कैसे लोग खड़ा होकर यात्रा कर रहे हैं, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो अगर आपको भी यात्रा करना है तो भूल कर भी जनरल कोच से यात्रा नहीं करें। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं मेरी दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको रेलवे से जुड़ी संपूर्ण जानकारी हमेशा ही मिलती रहेगी।